अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातहू। उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत होंगे। हमारे सरवर दस्तर पे आप लोग का स्वागत है जी। क्या करूँ, अच्छा तो नहीं लगता खाना बनाने में। जो अभी मंजर हो रहा है, जो चल रहा है और जो फिजा है, इसमें तो अच्छा नहीं लग रहा। क्या सही है क्या गलत है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अभी तो कोई भी इंसान भूखा तो नहीं रह सकता है, तो सही गलत अभी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा क्या लगेगा, बोले बताएं। तो अभी मैं कर रही हूँ, जो अभी मैं बना रही हूँ खाना वो आप देख लें। पता नहीं क्यों ना पहले से जैसे दिल नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। आए देखें सबसे पहले मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी गोश्त और चुकंदर गोश्त, ये दो बनाने वाली हूँ। आए देखें सबसे पहले मैं बीट बॉईल करी हूँ। ये मैं बॉईल करी हूँ, इसको पीसना है। अब इसके बाद मैं बता रही हूँ, 1 किलो गोश्त है, ज़्यादा होगा घर पे हाँ, ये 1 किलो गोश्त है। इसके साथ मैं कांदा डाल रही हूँ, आधा किलो से कुछ कम है कांदा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये चमची का 2 चमची दी हूँ, थोड़ा और देना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए हल्दी 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने दी, 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर 1 चम्मच और दूंगी, 3 चम्मच दी हूँ जी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, थोड़ा सा और जीरा पाउडर, ये 2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा पाउडर है, 1 चम्मच, 2 चमची। और तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, ये शिमला मिर्च नहीं है, ये तीखा वाला जो अपना घर में नॉर्मल मिर्ची होता है ये वही मिर्ची है। मैं शिमला मिर्च सब्जी में नहीं डालती और यही मसाला मैं डालती हूँ, और इससे ज़्यादा मैंने मसाला नहीं डालती। आप कम या ज़्यादा मसाला में कर सकते हैं, आपके पास सामान कितना है? अभी मेरे पास सामान ज़्यादा है, गोश्त 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा है, तो इतना हमको मसाला डालना है। आप कम या ज़्यादा आप सामान के हिसाब से कर सकते हैं। और मैंने जो गोश्त डालती हूँ सब्जी में, ये कच्चा गोश्त, मसाला, प्याज सब कच्चा मैं डालती हूँ इसमें। मैंने प्याज कांदा लाल नहीं करती, आप कांदा बोले या प्याज बोले, ये मैं नहीं लाल करती। और अगर आपको लाल करना तो आप लाल करें, अगर मेरे तरीका से बनाना तो मेरे तरीका से बनाएं, अगर आपको अपने तरीका से बनाना है तो बनाएं, आपको जैसा अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो इसी तरह बनाती हूँ। 1 चम्मच काली मिर्च में दे रही हूँ, ये खाना का, ये मसाला का, ये प्याज का, ये कांदा का जो स्वाद है ये अलग होता है। और लाल करके देना या गरम मसाला हर चीज़ में देना तो मतलब नहीं है। गोश्त कोरमा, शाही कोरमा, ये सब में तो गरम मसाला डालती हूँ, लेकिन अगर सब्जी डालती हूँ तो सब्जी में, सब्जी वाला गोश्त में मैंने गरम मसाला नहीं डालती और मैंने कांदा लाल नहीं करती। और रह गया तेल, मीठा तेल या राई का तेल, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने खाना बनाते बनाते देते देते मेरे को भी अब आदत हो गई है राई का तेल का, तो ये कच्चा गोश्त में राई का तेल देने से ज़्यादा टेस्ट और अच्छा होता है। जो नहीं खाते हैं तो आप जो है रिफाइंड तेल में बनाएं, मीठा तेल में बनाएं, बादाम तेल में बनाएं, और जो खाते हैं, और राई का तेल भी जो अच्छा वाला होता है मैं वही लेती हूँ। हर राई का तेल नहीं लेती हूँ जिसमें कलर मिक्स हो, जिसमें टेस्ट नहीं हो, मैं वो वाला नहीं लेती हूँ। आप कोई सा भी तेल में, मेरे बनाते बनाते बताते बताते मुझे भी आदत पड़ गई है ये तेल का। और नमक डालना है 1 चम्मच, 2 चम्मच, क्योंकि गोश्त ज्यादा है, 3 चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से देना, अगर किसी चीज़ में शोरबा लगना है तो थोड़ा नमक ज़्यादा दें, क्योंकि अगर शोरबा लगाना होगा तो वो फीका हो जाता है,
टेस्ट में थोड़ा सा फीका हो जाता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा देती हूँ। एक मग पानी दी हूँ, थोड़ा और लगेगा पानी। ये सब मसाला, गोश्त, कांदा, तेल, ये सब एक साथ में डाली हूँ। इसका टेस्ट, इसका स्वाद जो अच्छा लगता है ना सब्जी वाला गोश्त में, तो हड्डी वाला गोश्त, थोड़ा फैट वाला गोश्त मैंने ली हूँ, सब्जी वाला गोश्त में अच्छा लगता है। तल लगाती हूँ गोश्त गलने तक, 15 मिनट बाद में बता रही हूँ। ये चुकंदर मैंने बॉईल करी हूँ, बॉईल करके निकाली, अभी पीस के आटा में डालना है, क्योंकि चुकंदर वाला रोटी बना रही हूँ, चुकंदर गोश्त बना रही हूँ तो चुकंदर वाला रोटी भी बनाना है। थोड़ा सा नमक डाल देना है आपने आटे पे। और ये भी देखिए, इसको पीस के आटा में गूंद के, जब तक गोश्त गल रहा है, गोश्त खोल के देख रही, गोश्त भुनाएगा, हाँ अभी गल गया, हाँ गोश्त तो गल गया, वो भी भुनाएगा। काली मिर्च, जीरा, इसको भूनना है, पाउडर बनाना है सालन में देने के लिए। अब इसको हल्का भूनना है। अब ये देखिए, अक्का धनिया नहीं था तो ये मैंने दरदरा, मेरे पास नहीं था, ये दरदरा पिसा हुआ, ये धनिया इसमें मैं दे रही हूँ, धनिया, जीरा और काली मिर्च, इसका पाउडर बनाना है, तब करना पड़ता है ना। हाँ अभी सब्जी डालने का, अभी मैं डाल दे बता रही मैं, ये देखो मैं राई का तेल दी हूँ, आप कोई सा भी तेल दे सकते हैं। बिस्मिल्लाह, भिंडी को हल्का फ्राई करना है। इधर गोश्त को भी जरा सा हल्दी देकर फ्राई कर ली, अच्छा लगता है, काला नहीं दिखेगा, भिंडी काला दिखता है ना, काला नहीं दिखेगा। फिर से तेल में फ्राई करके भुना हुआ गोश्त में डालना है। ये भुनने, ये तेल में फ्राई करने से है ना, इसमें जो लक्सपन रहता है तो वो थोड़ा कम हो जाता है। और आप डायरेक्ट भी भिंडी को गोश्त में डाल के भून सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर भी डालेंगे तब भी अच्छा होता है, लेकिन लक्सपन ज्यादा रहता है। बोलिए, मैंने एक जगह गोश्त बना ली, गला ली, ताकि मुझे एक ही जैसा गोश्त देना था, अब थोड़ा भिंडी भी देना है,
ये देखिए एक ही जैसा हमें मसाला चाहिए दोनों में। गोश्त, भिंडी के लिए मैं गोश्त इसी तरह बनाती हूँ सब्जी के लिए, इसीलिए मैंने ज़्यादा एक जगह एक जैसा गोश्त मैं बनाई हूँ। सिर्फ आप सब्जी जैसा भी डालो। ये इधर थोड़ा भुनाएगा, भुनाने के बाद शोरबा लगेगा। और जब तक मैं इसको भी देख लेती हूँ बीट को, ठीक है। इसको कद्दूकस करके मैंने रखी हूँ, ये देखिए। आप कट करके चाहो तो कट करके दो, या तो कद्दूकस करके दो, तो मैंने कद्दूकस करके दी। आप चाहो तो इसको कोई सा भी डिज़ाइन में आप कट करके दे सकते हो गोश्त में। ये देखो गोश्त हमारा भुन गया, ये देखिए, ये देखिए, हाँ देखिए। और मैं इसी तरह का गोश्त मैं सब्जी में डालती हूँ बना के, है देखिए। ये देखिए अभी इसको भूनने का, थोड़ा भूनने के बाद ये देखिए मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाली, मैंने टमाटर नहीं डाली। आप इसमें चाहे तो बीट में आप टमाटर डाल सकते हो, ये देखिए भिंडी गोश्त। मैं इसी तरह बनाती हूँ, कम या ज़्यादा सामान आपका हो तो आप कर सकते हैं। मैं गोश्त भी इसी तरह बनाती हूँ, गोश्त को इसी तरह बनाती हूँ। और इसमें भिंडी, अरबी, ये सब जो है तेल में फ्राई करके मैं देती हूँ। थोड़ा तेल में फ्राई करने से उसका जो लसपन है ना, तो वो कम हो जाता है, हाँ। और फिर इसको आपकी मर्जी, आप चाहे जैसा रखो, लेकिन भिंडी में शोरबा अच्छा लगता है, शोरबादार अच्छा लगता है। आपकी मर्जी, आप कैसा शोरबा रखते हो। मेरा गोश्त भुन गया, भिंडी भी भुन गया, फ्राई हो गया। अब मैं शोरबा लगाती हूँ। आप कम या ज़्यादा शोरबा कर सकते हो। अभी इसको मैं गलने तक, भिंडी तो तुरंत गल जाएगा। अभी इसमें नमक चख के नमक देती हूँ मैं, ज़रा सा नमक कम है जी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देना। आप शोरबा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन भिंडी में पतला शोरबा रहता है, अच्छा लगता है। और इसी तरह गोश्त बनाए तो अच्छा रहेगा। ढक देती हूँ गलने तक, ये देखो। मैंने इसमें टमाटर नहीं दी हूँ, आप चाहो तो दे सकते हो टमाटर। सब्जी वाला गोश्त में मैंने गरम मसाला नहीं देती हूँ, जैसे हो गया फ्लावर गोश्त। अभी मैं भिंडी गोश्त बना रही हूँ, अभी मैं चुकंदर गोश्त बना रही हूँ, तो ये सब में मैं गरम मसाला नहीं देती हूँ। अभी इसमें मैं हरा धनिया दूंगी, और इसमें मैंने मसाला पाउडर अभी बनाई हूँ मैं, वो दूंगी। तो यही पड़ता है इसमें, यही मसाला जो मैं डालूंगी अभी आप देख लेना, और इसमें जो मैं डालूंगी वो भी आप देख लेना। मैंने टमाटर नहीं डाली, आप चाहो तो मीट गोश्त में आप टमाटर डाल सकती हो। देखिए बीट गोश्त, बस थोड़ा सा खाली है, ये भुन गया, ये हमारा भुन गया है। बस जरा सा इसको थोड़ा सा पानी देके गलाना है, ताकि इसका कच्चापन चला जाए, ज्यादा नहीं, खूब ज्यादा नहीं। इसको शोरबा नहीं लगाना है, ये सूखा ही रहेगा, हाँ देखें ये सूखा ही रहता है।
उसको सिटी लगा सकते हैं, थोड़ा सा गलने देते हैं बस, थोड़ा सिटी नहीं बस, मतलब ऐसा हल्का सा हाँ, ताकि इसको दम पे थोड़ा छोड़ देने का, क्योंकि मेरा कद्दूकस किया हुआ है, हमारा जो है तो कद्दूकस किया हुआ है, तो इसको तो ज्यादा गलाना नहीं है, ये थोड़ा सा भी गर्म थोड़ा सा भपाएगा तो ये हो जाएगा, अभी मैं बता रही हूँ, ये 5 मिनट में हो जाएगा। और इसको गलने तक रखना, देखती हूँ गला है या नहीं, जरा सा गलेगा। हो गया, गल गया, भिंडी भी गल गया। अब इसमें अभी मैंने धनिया, जीरा, गोल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, जीरा, काली मिर्च का अभी पाउडर बनाई थी हल्का भून के, ये वही डाल रही हूँ। अभी इसे ऐसा दे करके, पूरा देना नहीं थोड़ा देना, मसाला ज़्यादा पिसा हुआ सब थोड़ी देना। अब इसमें ये इस तरीक़े से दे के आप इसे थोड़ा देर बंद कर दें, फिर उसके बाद मैं सर्व करके बताती हूँ। भिंडी गोश्त में देखिए यही मसाला और ये पड़ता है, कच्चा कांदा, कच्चा मसाला का गोश्त बनाते हैं सब डाल के एक साथ, और उसके बाद भुनने के बाद आप भिंडी को फ्राई करके तेल में, या आप गोश्त के साथ भुने, ये आपकी मर्जी आपकी चॉइस, दोनों तरीका से बनता है। फिर वो होने के बाद, गलने के बाद, शोरबा लगने के बाद, तैयार होने के बाद, आप ये मसाला थोड़ा, आपका सालन जितना है आप अपने हिसाब से आप इसको छिड़क दें, थोड़ा देर बंद कर दें, उसके बाद सर्व करें। ये मसाला का टेस्ट, कच्चा प्याज मसाला का टेस्ट ये अलग होता है, सब में एक जैसा नहीं होता, मैं सब में एक जैसा नहीं डालती हूँ, सबका अलग अपना टेस्ट है। मैं नहीं बोलती कि खराब होता है, मुझे जहाँ टमाटर देना है, जहाँ गरम मसाला देना, मैं वहीं देती हूँ, अपना मसाला का अपना टेस्ट है। आप अगर मेरे स्टाइल से बनाएंगे खाएंगे तो मालूम पड़ेगा आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ये आपकी मर्जी को, आपके चॉइस के ऊपर है। तो मेरे तरीका से अगर बनाएंगे तो यही तरीका से है, फिर इसमें आप अपना कोई सा तरीका बनाएंगे फिर बोलेंगे मैं सालन खराब बताई हूँ। तो जिसमें जैसा जो चीज़ दिया जाता है उसी में देके बना के खाएं, अलग अलग टेस्ट का भी खाया जाता है, आप खाओ फिर आप अपने तरीका से बना के खाओ, अच्छा लगता है तो मेरे तरीका से खाओ, नहीं अच्छा लगता आप अपने तरीका से बना के खाएं। हो गया, अब इसमें मैंने हरा धनिया है और हरी मिर्ची थोड़ा सा गार्निश के लिए, हमारा गोश्त भी तैयार है, भिंडी का सालन भी तैयार है। अब सर्व करने के लिए दोनों भी तैयार है। मैं धनिया पत्ता डाली हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं बंद कर रही हूँ, 1-2 मिनट में मैं निकाल रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। ये सेट करने के लिए रखी थी मैं, ये सेट हो गया, अब इसको रोटी बनाती हूँ। ये रोटी मैं तैयार कर ली हूँ, बाकी का रोटी इसी तरीके से मैं तैयार करती हूँ। चलिए देखिए, चुकंदर गोश्त और चुकंदर वाला रोटी, ये दोनों भी आपको बताना है। आप चाहे तो सूखा आप चपाती बनाएं, या आप तेल घी जो भी लगा के आप बनाएं, ये आपकी चॉइस, या आप सादा बनाओ, मैंने ऐसा बना के बता रही। देखिए इस तरीके से बनता,
अब इसको सादा चपाती बनाए या तेल में बनाए या घी में बनाए या मक्खन में बनाए या किसी में भी बनाए। इसी तरह सब बनेगा। अब इसमें ये मसाला जिस चीज का जो मसाला है इसमें वही डालना चाहिए। ये चीज का यही मसाला है। ये हमारा बीट गोश्त या चुकंदर गोश्त आप जो भी बोले। ये हमारा चुकंदर गोश्त बोले बीट गोश्त बोले ये तैयार है खाने के लिए। ये इसी तरह सूखा बनता है और जिसमें शोरबा लगाने का है उसमें मैं शोरबा लगाती हूँ और जिसमें मुझे आलू बटाटा कुछ भी डालना होता है तो उसमें वो डालती हूँ। आप देखें और रोटी है ये हमारा चुकंदर गोश्त ये चुकंदर वाला रोटी है ये भिंडी गोश्त का सालन है। कोई गरम मसाला नहीं है टमाटर नहीं है हरा धनिया नहीं है। इसको इसी स्टाइल का बनता है अच्छा लगता है हमें अच्छा लगता है। अब आपको कैसा पसंद है वो आप खाएं। ये वाकई बहुत टेस्टी होता है और चुकंदर का सालन बनाई हूँ ऐसे सूखा रहता है। इसमें टमाटर नहीं है और इसमें मतलब गरम मसाला इसमें भी नहीं है हरा धनिया डाली हूँ। अंदर भी हरा धनिया है ऊपर से गार्निश के लिए भी हरा धनिया है और चुकंदर वाला रोटी चुकंदर वाला गोश्त में ऐसा ज्यादा कुछ मसाला मैंने नहीं डाली और वही स्टाइल का गोश्त में मैं ये सब बनाती हूँ। सब्जी देखे अब कोई सा भी सब्जी बनाए अब आप सोचेंगे एक ही बार में आपने दो कर दिए। मैं अलग भी बनाती तो यही स्टाइल से मैंने गोश्त बनाती तो मुझे तो यही स्टाइल में बनाना था तो मैंने एक जगह बनाई और उसमें सब्जी चाहे कोई सब्जी मैं डालूं तो मैंने ये सब्जी डाली और टमाटर नहीं है और गरम मसाला नहीं है। जिनमें गरम मसाला डालना होता मैं उसी में ही डालती हूँ और जिनमें गरम मसाला नहीं डालना होता सब में मैं नहीं देती। फिर कोरमा में है सब्जी में है फिर क्या फर्क रह जाएगा टेस्ट समझ में नहीं आता। सब्जी का टेस्ट दो ना गरम मसाला का टेस्ट तो कोरमा में लेती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें इसी तरह हमारे साथ बने रहें। मैं नए नए रेसिपी के साथ मैं आती रहूँगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़ फिर मिलती हूँ।